प्रज्ञानं शुभ्रतानै स्थिरचरनिकर व्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगास्तविष्टान् पुनरपि दिशनुद्भाषितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परमृतं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विधीय विषयान् प्राश्य भोगानस्तविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमपि विभवान् ज्योतिषाश्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनर्विषयै स्वात्मनिष्ठापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगत गुणगणः आत्मसौनस्तुरीय। अथर्ववेदीय मांडुक उपनिषद की प्रथम प्रकरण आगम प्रकरण उसके ऊपर विचार चल रहा है। इसके ग्रंथ के शुरू में हम लोग क्या देखते हैं, ये एक प्रकरण ग्रंथ है, छांदोग्यत बृहदारण्य की तरह ये आकर ग्रंथ नहीं है, केवल मात्र ज्ञान भाग को लेकर के विचार किया गया है। वो कौन सा ज्ञान, जिस ज्ञान से मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से छूट करके अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। भगवान भाष्यकार अपने यहाँ पे पहले दो मंगलाचरण करते हैं, एक विधि मुख से एक निषेध मुख से, एक निर्गुण निराकार निर्विशेष कैसे आपने कोई अपने कल्पना से स्वगुण साकार रूप में ला करके जागृत स्वप्न सुषुप्ति में तीनों अवस्था भोग करते हैं, स्थूल रूप मतलब व्यष्टि रूप में समष्टि रूप में भी वास्तविक उसका परमार्थिक स्वरूप ही है। तो जैसा उसने एक एक करके उसको फैलाया, फिर दूसरे में आकर के धीरे धीरे उन सभी को अपने में समेट लिया और फिर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इतना है माया की महिमा से इस सृष्टि दिखाई पड़ता है इतना मंगलाचरण करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे एक अन्य वेदांत में भी जैसा अनुबंध चतुष्टय दिखाया गया है यहाँ भी वही है, फिर भी क्योंकि कालिकाकार ने नहीं किया फल तो यदि भाष्यकार भी नहीं करता तो लोग सोचते हैं कि इसका कोई उपयोगिता नहीं है, इसके भाष्य बाद यहाँ पे फिर दोबारा अपना अनुबंध चतुष्टय को भी दिखाया। इसका अधिकारी कौन है, उत्तम अधिकारी के लिए पुस्तक है एक जो तीव्र मुमुक्षुत्व जिसके अंदर वैराग्य की तीव्रता है और इसके ज्ञान स्वरूप व्यक्ति जो है प्रयोजन ही है कि जन्म मृत्यु के बंधन को छोड़ जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे अनुबंध चतुष्टय को दिखाने के बाद यहाँ पे जो चार प्रकरण आए हुए हैं, चार प्रकरण के विषय वस्तु को भगवान भाष्कर संक्षेप में बताया है ना। पहला प्रकरण में आगम ओंकार आगम प्रकरण है, ओंकार रूप अवलंबन को लेकर के ओंकार अवलंबन में कोई प्रतीक उपासना कर सकता है, ओंकार अवलंबन में कोई परब्रह्म परब्रह्म दोनों को चिंतन कर सकता है, ओंकार की मतलब मात्रा को लेकर के विचार करके जागृत स्वप्न सुषुप्ति के साथ मिला करके उसमें तुरीय अवस्था का अनुभव कर सकता है। अधिकारी के भिन्नता के कारण भगवान भास्कर ये भी दिखाए इसको कि ओंकार उपासना की उपयोगिता। पहले को आगम प्रकरण इसलिए कहा जाए क्योंकि यहाँ पे शास्त्र के सहारे कहा जाएगा, जो भी यहाँ पे निर्णय हुआ ये शास्त्र मूल मंत्र को व्याख्यान हुआ है और अन्य उपनिषद के द्वारा इसको मतलब पुष्ट की गई है। इस प्रकार जो है परब्रह्म सत्य है, भगवान ही सत्य है, संसार जो है पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है, इसको युक्ति पूर्वक दिखाने के लिए यहाँ पे वैतत्व प्रकरण आया है। जो संसार की वैतत्व से मिथ्या वैतत्व मतलब मिथ्या मिथ्या जब सिद्ध होता है तब अद्वैत भी मिथ्या होगा, नहीं नहीं अद्वैत पारमार्थिक सत्य वस्त्र है, इसको सिद्ध करने के लिए तृतीय प्रकरण अद्वैत प्रकरण आया हुआ है। भेद राहित तो पारमार्थिक है और भेद जो प्रातिभाषिक है, भेद प्रातिभाषिक है इसको युक्ति के द्वारा सिद्ध किया और अभेद पारमार्थिक है इसको श्रुति युक्ति दोनों के द्वारा सिद्ध कर दिया। परंतु अन्य सभी वादी को तो भेद को मान्यता देकर अपने सिद्धांतों को बनाए हैं तो आपका इस कथन से अन्यवादी को सब विरोध होता है, तब दिखाया कि नहीं हमारे किसी वादी के साथ विरोध नहीं है, ये उन वादियों का सिद्धांतों का परिशोधित स्थिति है। और उसका अलात शांति प्रकरण में यही है,
कि हमारी मन की जिस प्रकार कि एक लट्ठी के माथे में आपने आग जलाई तो उसमें जब तक एक जगह पे स्थिर है तो आप एक ही रूप में दिखते हैं, परंतु जैसे आप उसको हाथ में लेकर के घुमाना शुरू करते हैं वही आग भिन्न भिन्न आकार को धारण करते हैं, ये दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार से हमारी मन की वासनात्मक गति हमें जगत को भिन्न भिन्न रूप में दिखाते हैं। मन की वासनात्मक अनंत गति है, तिप्रवेक्षी है मन, है ना। मन की गति के बारे में तो हमारी शवाशी उपनिषद में कहे हुए अनिज देखो मनुष्य लोग जब ये आत्मा तुम सभी मन की गति कहते हैं, जितना दौड़ने वाले हैं उससे आत्मा अधिक है कि घटना व्यापक है। तो इस प्रकार मन की गति के कारण हमारी वासना भिन्न भिन्न आकार में हमारे सामने दिखाई पड़ते हैं। यदि मन की इस वासनात्मक गति शांत हो जाता है तो बस एक अद्वैत ही बचता है, इसी को अलग शांति प्रकरण में प्रतिपादन करें। ठीक है, तो अभी हम लोग हमको लगता है प्रथम मंत्र तो शुरू हो गया था। प्रथम हाँ, तो क्या करें, प्रथम मंत्र शुरू से शुरू करें अथवा आप बताएंगे कहाँ से कहाँ तक हुआ था। मैं पहला मंत्र के यदि शुरू से बोलना चाहिए तो कहाँ तक ठीक है, यदि श्याम जी अपना माफ करा चाहिए ना कि कथा कथा दी हो चुकी है। तो पहला मंत्र को एक बार दोबारा पढ़ेंगे, है ना। पहला मंत्र को सब मिल के एक साथ पढ़ेंगे, है इसका अर्थ तो हो गया था। ओम इति एतदक्षरमिदं सर्वं तस्य उपव्याख्यानं भूतं भवन् भविष्यति सर्वमोकार एव यच्चान्नत्विकातीतं तदपि ओंकार एव। ओम इति एतदक्षरमिदं सर्वं, इदं रूप में जो भी कुछ संसार में हमारे सामने दिखाई दे रहा है ना वो सब ओंकार ही है। यहाँ पे दो भाग में विभाजन किया, मतलब दो भाग में विभाजन से अभिप्राय ये है कि एक है नाम और एक है नामी। नाम से जिस वस्तु को कहा जाता है वस्तु रूप होता है उसका, और उसका एक नाम होता है। जो मतलब वस्तु रूप में दिखाई पड़ रहा है वो सब ब्रह्म का अथवा आत्मा का विवर्त है, और उसको जिस नाम से हम कहते हैं तो उस आत्मा को जिस नाम से कहते हैं उस नाम का ही सारा मतलब विकार है। आत्मा का परमात्मा का सबसे प्रिय नाम ओंकार है। ये सारा जगत में जो भी कोई वस्तु दिखाई पड़ रहे वो सब वस्तु वो परमात्मा मतलब ब्रह्म का विवर्त है, मतलब वो परिवर्तन नहीं होते हुए भी उस रूप में दिखाई पड़ता। अतात्विक अन्यथा भाव, तात्विक अन्यथा भाव नहीं हुआ परंतु अन्य रूप में प्रतीति होते, इसको विवर्त बोलते हैं। तो इस विवर्त रूप किसका है, वो अधिष्ठान आत्मा का ब्रह्म का। और इस जब अलग अलग रूप में विवर्तित हुआ उस अधिष्ठान आत्मा को कहने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, हम क्या करते हैं उसको ओम इस आकार के शब्द के द्वारा बोलते हैं। परमात्मा का सबसे प्रिय नाम ऐसा माना जाता है। इस ओंकार रूपी आलंबन में ही अलग अलग प्रकार से उपासना करके उपासक को अलग अलग फल भी मिलता है, जैसा जितना अधिकारी है। इसीलिए संसार में जो भी कोई वस्तु दिखाई पड़ता है एक है नाम और एक है रूप। रूप परमात्मा की है और नाम ओंकार है, ओंकार का ही विवर्त है। ओंकार अक्षर है ओम, उसी से सारा शब्द बनते हैं। इसलिए इसके ओम इति तदक्षरमिदं सर्वं, यहाँ पे जो भी कुछ वस्तु दिखाई दे रहा है ना वो सब ओंकार ही है। इसका उपव्याख्यानम, उपवत्थ में विस्पष्ट प्रकथनम, विस्पष्ट रूप से उसको प्रतिष्ठित रूप में कथन करना है ना, वहाँ पे जो है कैसे उसको उत्पत्ति क्या है, कहाँ साया स्वरूप क्या है, इस प्रकार के कथन करने के लिए यहाँ पे उपव्याख्यान बोला। इतना कथन इदम रूप में जब बोला ना, इदम मतलब वर्तमान वस्तु को दिखाई पड़ता है, इदम मतलब ये जो सामने वर्तमान में दिखाई पड़ता है, परंतु अतीत भी है भविष्यत भी है। इसीलिए बोलते हैं भूतम भवत भविष्यति, जो अतीत है जो वर्तमान है जो आगे भी है, ये सब ओंकार का ही रूप है, ये सब ओंकार का ही रूप है। मतलब ओंकार रूप परमात्मा का विवर्त है, परंतु ओंकार के माध्यम से बोला जाता है। केवल इतना ही नहीं, जच अन्न त्रिकाल अतीत, एक तीन काल से परे है एक जिसको काल जिसके ऊपर कल्पित है उसका भी प्रतीक ओंकार, उसका भी नाम ओंकार। यच्च अन्नत्रिकालातीतम, अन्नत मतलब जे विवर्त रूप में जो भी वस्तु दिखाई पड़ते हैं
उससे भिन्न जो वस्तु है उस वस्तु भी ओंकारी है, मतलब हमारे पास अव्यक्त मतलब ईश्वर और निर्गुण निराकार निर्विशेष इसको उत्पत्ति नहीं है, ये कालातीत है। ईश्वर और निर्गुण निराकार निर्विशेष माया उपाधि से जो चेतन दिखाई पड़ता है उसको ईश्वर बोलते हैं, वो काल से परे है, उसी के ऊपर सब काल कल्पित है, इसलिए वो भी ओंकार उसको भी प्रतीक है, तो ओंकार नाम से उसको भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए बताया जत्र कालातीतम तदपि ओंकार, वो भी ओंकार ही है। अब आइए इसके ऊपर टीका शुरू करते हैं और उसमें श्रद्धाश्य भी देखो आ जाएगा अपना। अर्थम उपपाद्य तस्मिन अर्थ श्रुति अवतारयति, है ना, विषय को कथन करके कुछ विषय में श्रुति वाक्य को दिखाते हैं। अब तो विषय क्या कथन किया, देखो 6 नंबर टिप्पणी बोलते हैं, ओंकार निर्णयेन आद्य प्रकरणस्य आत्म प्रतिपत्ति उपायत रूपम अर्थमिति। ठीक है ना, ओंकार को समझाने के माध्यम से ओंकार के यदि आप ठीक से समझ जाएंगे तो उससे आत्मबोध भी होगा। इसमें बोलते हैं ओंकार निर्णयेन, ओंकार के निर्णय के द्वारा, ओंकार की तीन मात्रा और हमारी जीव प्रत्येक जीव की तीन पाप, है ना, ओंकार की मात्रा में तीन अवस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था, इसके साथ समता दिखा करके एक में बाहर स्थूल वस्तु को भोग करते हैं, इतने में केवल मात्र प्रातिभाषिक वस्तु को भोग करते हैं, एक में जो स्थूल प्रातिभाषिक कुछ नहीं है केवल अपने अज्ञान का ही भोग करते हैं, इसलिए ओंकार निर्णयेन आद्य प्रकरणस्य आत्म प्रतिपत्ति उपायत्तम। भगवान भाष्यकर बोला क्या, इस ओंकार को जान लेने पर भी आत्मा का स्वरूप का बोध हो जाता है ओंकार निर्णय के फल से। ये जो पहले विषय को कथन करके आया था उस विषय को अर्थम उपपाद्य पर मतलब उस विषय को प्रतिपादन करके तस्मिन अर्थे उस विषय में श्रुति वाक्य को ला रहे हैं, श्रुति वाक्य को दिखा रहे हैं कि ओंकार के प्रतिपादन के माध्यम से आत्म तत्व का प्रतिपादन हो जाता है, इसका विपरीत अर्थ है। ठीक है, अब जो है इति अहम बोल दिया पे, क्योंकि उसका ऊपर तो टिप्पणी हमने पढ़ ली थी भाष्यकार को। श्रुति व्याचष्य, अब श्रुति वाक्य को व्याख्या करते हैं, श्रुति क्या है, ओम इति दक्षिण वेदिकुंश जब इदम अर्थ जातम अभिधेय भूतम तस्य अभिधान अव्यतिरेकात्, नाम और नामी वाच्य और वाचक और वाच्य ये जो अभिन्न होते हैं, कोई एक विशेष शब्द को एक विशेष वस्तु का ही बोध कराते हैं, है ना, यानी कि गो शब्द हमने उच्चारण किया, सूर्य शब्द अपने हमने उच्चारण किया, परंतु एक विशेष पिंड का ही बोध कराएगा, अन्य वस्तु को बोध देगा। अनादिकाल से शब्द की इस जो आवृत्ति अनादिकाल से एक रूप में चला आ रहा है, क्योंकि मान लो इस कल्प में कोई व्यक्ति सूर्य देवता बनने के लिए उपासना करते हैं, आपने ब्रह्म सूत्र में आपके पास आया था देवता अधिकरण, यहाँ पे सृष्टि का अनादित्व दिखा करके कोई देवता क्या है, कोई व्यक्ति इस कल्प में सूर्य देवता अथवा अग्नि देवता बनने की उपासना करते हैं। अब मान लो अगले कल्प में जाके अग्नि नाम ही बदल गया तो क्या हो जाएगा, उस वस्तु का जो उपासना का तो उसका अन्य नाम हो जाएगा, अन्य रूप हो जाएगा। इसलिए भगवान को क्या करना पड़ता है, सृष्टि चक्र में अनादिकाल से एक ही नाम रूप की आवृत्ति हो रही है, इसलिए नाम और नामी के अभिन्न संबंध है, नाम और नामी के अभिन्न संबंध है, ये हमारी एक अद्भुत सिद्धांत है। ये सृष्टि को मिथ्या मानने वाले व्यक्ति भी तभी जाके एक साथ दोनों के मिथ्यात्व सिद्ध होगा, एक को निषेध कर देंगे तो दोनों का निषेध हो जाएगा, है ना, इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि राम शब्द हम उच्चारण करेंगे तो कोई एक विशेष पिंड में उसको अभिव्यक्त होगा, चाहे वर्तमान में चाहे अतीत में अतीत में जिस समय जिसका नाम राम रूप में जीता उसने अभी अनेक अनेक व्यक्ति का अलग एक ही नाम हो सकता है, परंतु मनुष्य पिंड तो निश्चित होगा, हनुमान जी भी एक ही प्रकार रहते हैं, हनुमान जी तो अमर ही है, उनका तो वही पिंड है हनुमान जी से नाम, इसलिए तस्य अभिधान अव्यतिरेकात्। देखिए यहाँ पे ये जो आया हुआ है ना जत इदम अर्थ जातम, तो यहाँ पे तत इदम सर्व ओंकारम एव इति संबंध, ये जो जत इदम अर्थ जातम पहले लाइन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अरे बिल्कुल लास्ट में देखिए तदपि ओंकार एव, बिल्कुल भाष्य के अंतिम में तदपि ओंकार एव, यानी कि इसका अन्य वहां पे जो यहाँ पे है वो ओंकार ही है। ठीक है, ये बोल रहा है जब इदम सर्वम
ओंकार यहाँ पे क्या बोला जत इदम इति अर्थ यातम। यहाँ पे जत इदम शब्द के जरा जो भी कुछ कहा गया है उसका अन्य कहाँ पे तदपि ओंकार तत् ओंकार वहां पर तत् इदम सर्वम ओंकार वो ये जो कुछ है वो सब ओंकार इस प्रकार अन्वय हो गया। क्यों बोलते हैं अभिधानस्य अभिधेयतया व्यवस्थितम अर्थ जातम ओंकार एव इति अत्र हेतुमः। अभिधानस्य अभिधान मतलब क्या हो गया वाच्य अभिधान अभिधेय अभिधान मतलब नाम वाचक उसका अभिधेयतया उसका कोई शब्द बोलेंगे कोई विषय विशेष वस्तु का ही बोध कराएगा इसलिए बोलते हैं अभिधानस्य अभिधेयतया व्यवस्थितम निर्दिष्ट है अभिधान अभिधेय के लिए निर्दिष्ट है। अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्द प्रयोग करते हैं परंतु एक विशेष किसी भी भाषा एक व्यक्ति बोलेगा तो उस स्थान में उसी का ही प्रसिद्धि होता है इसलिए बोलते हैं अभिधानस्य अभिधेयतया व्यवस्थितम अर्थ जातम जितना विशेष विषय जो है व्यवस्थित है ओंकार एव सब ओंकार का ही विवर्त है तो ओंकार का ही व्यवस्था है एव इति अत्र हेतु इस विषय में कारण को कहते हैं अभिधेय मात्रस्य ओंकार आगे क्या लिखा है टीका एक पन्ने में और भाष्य एक पन्ने में पुराने पुस्तक में ठीक है कोई नहीं यहाँ पे क्या बोलते हैं अभिधेय मात्रस्य ओंकार भेदे मिथो अपि अभेद आपत इसलिए यहाँ पे भेद नहीं होना चाहिए यहाँ पे देखिए ना यहाँ पे जो अभिधेय मात्रस्य ओंकार अभेद होना चाहिए आगे क्या हो गया मिथो अपि अभेद आपत्ते आपस में अभिन्नता के प्राप्त हो कंबु ग्रीवादि मान इव घट पटादि अभिधेय न अन्न इति एवं अभिधेय व्यवस्था। इस प्रकार कंबु ग्रीवादि मान को एक वस्तु को घट नाम से कहा जाता है तंतु से बना हुआ कोई वस्तु को पट नाम से कहा जाता है होना चाहिए कि अभेद क्योंकि आप देख रहे हैं कोई कुछ कोई पुस्तक इसमें सही है कुछ कुछ वहां पे गलत भी आ गया व्यवस्थितम के यहाँ पे ऊपर टीका दिया हुआ है इस पुस्तक में अभिधान अभिधेयता या उसको ऊपर दिया हुआ नंबर अभिधेय मात्रस्य ओंकार अभेद देखिए इस पुस्तक में ओंकारा अभेद आकार अभेद यहाँ पे आकार मात्र लगाया इसलिए मैं इस पुस्तक को लाया अभिधेय मात्रस्य ओंकार अभेद ओंकारा भेद कोई पुस्तक पढ़ने के लिए आपको खूब धैर्य चाहिए क्योंकि कहीं क्या गलती है उसको संशोधन करके चलेगा कि आगे वाले जो पुस्तक पढ़ेगा उसके लिए लाभ ठीक अब हो गया।
अभिधेय मात्रस्य ओंकारा भेदे मिथो अपि अभेद आपत्ति। ठीक है ना, अभिधान ओंकार, ओंकार के साथ सारे नाम का अभिन्नता है। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, और नाम के साथ नामी का अभिन्नता है, ओंकार के साथ सारे नाम की अभिन्नता है, और नाम के साथ नामी का अभिन्नता है, ओंकार के साथ नामी का अभिन्नता है, ओंकार के साथ सारे नाम की अभिन्नता है, नाम के साथ नामी का अभिन्नता है, ओंकार के साथ समस्त वस्तु का नामी का अभिन्नता है। इसीलिए बोलते हैं अविधेय मात्रस्य ओंकार अभेदे मिथ अपि अभेद आपत्ते। अब देखिए अभेद प्राप्ति होने पर कंबु ग्रीवादिमान एव, कंबु ग्रीवादिमान मतलब एक गला वाला और पेट मोटा वाला, इस प्रकार के द्रव्य को हम घट बोलते हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार कहीं भी किसी भी भारतवर्ष में इस प्रकार वस्तु होगा, हम कहीं भी घट बोलते हैं, कहीं घड़ा बोले कुछ बोलते, उस प्रकार के वस्तु को ही बोलेगा, उसी को ही बोलेगा, उस प्रकार की वस्तु देखने वाला। खरा शब्दों के लिए बंगाली में, गुड़िया में, मलयाली में अलग अलग शब्द प्रयोग, उस प्रकार की वस्तु उस अर्थ को प्रयोग करेगा। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कंबु ग्रीवादिमान एवं घटपटादि अभिधेय न अन्न उससे भिन्न इति एवं अभिधेय व्यवस्था। इस प्रकार से अभिधान और अभिधेय व्यवस्था बना हुआ न से, यदि ऐसा नहीं हो तो व्यवहार नहीं चल पाता इति आशयेन विशिनस्ति व्यवस्थितम। इसको मन में रखते बोलते हैं व्यवस्थितम, यदि ये नहीं होता तो अनाधिकाल से एक ही प्रकार से चलता आ रहा है, तो संसार व्यवस्था बन नहीं पाता, संसार व्यवस्था बन नहीं पाता। इस प्रकार देखिए किसी मतलब परिवार में कुछ कुलाचार है, कुछ देवताओं के आचार आचरण, वो अभी मान लीजिए हमारा पूर्व सात पुरुष नहीं है तो परंपरा से अभी भी उसी देवता जाके वही नाम प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार काल परिवर्तन होने पर भी ऐसे ही होता है, क्योंकि उसको ईश्वर स्मरण बढ़ रहा है, उसे शब्द प्रयोग कर देते हैं हिरण्यगर्भ के माध्यम से। व्यवस्थितम पार्थ जातम ओंकार एव, समस्त वस्तु ओंकार्य एव इति अत्र हेतु महति, इस विषय में कारण को कहते हैं। कारण क्या है, तस्य अभिधान अव्यति है का नाम और नामी में अभिन्नता के कारण। यहाँ भी एक टिप्पणी दिखाई पड़ता है, दो नंबर हेतु मह है ना, हेतु मह बोलते हैं अभिधान आत्मना एव अभिधेयस्य ओंकार आत्मत्वं विवक्षते न तु अभिधेयत्वेन। देखिए जो अभिधान आत्मना एव, ओंकार अभिधान के साथ अभिन्न है, ओंकार मतलब नाम शब्द, तो शब्द नाम मतलब शब्द और रूप हो गया अभिधेय, अभिधेय हो गया रूप, तो ओंकार के साथ नाम की अभिन्नता है और नाम के साथ नामी का अभिन्नता, इसलिए ओंकार के साथ नामी को इस प्रकार से व्यवस्था बनाया हुआ। ओंकार हाँ, ओंकार रूप में एक शब्द, इसलिए अभी तो एक लक्षण है, इसी तो बोलता है सर्वम खलु इदं ब्रह्म। व्यवहार के लिए आपने अलग अलग नाम दिया, पद है सब में एक ही, जैसे एक छात्र में मृत्तिका ही है, व्यवहार के लिए हम किसी को कुल्लर, किसी को तस्तरी, किसी को घरा ऐसा नाम देते हैं, तो है सब मृत्तिका ही। ये अभिप्राय यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे बोलते हैं कि अभिधान आत्मना एव अभिधेयस्य, अभिधान रूप में ही अभिधेय का ओंकारात्मत्वम, अभिधेय ओंकार रूप है, विवक्षते न तु अभिधेयत्वेन, ओंकार अभिधेय नहीं है, ओंकार के साथ अभिधान का अभिन्नता है, ओंकार के साथ अभिधान से अभिधेय है, ये न व्यवस्था विघटित, जिससे कि व्यवस्था का विघटित हो सकता है इति भाव, ये उसके अंदर भाव है। इसको समझना है कैसे ओंकार विषय, कैसे ओंकार तो विषय नहीं है, नाम रूप एक वस्तु नहीं है, नाम शब्दात्मक है, परंतु शब्द कोई एक विशेष नाम है, कोई विशेष वस्तु को बोध कराता है, इसीलिए नाम रूप ओंकार ही शब्द रूप है, क्योंकि ओंकार समस्त नाम का आश्रय ओंकार है, समस्त रूप का आश्रय अधिष्ठान ब्रह्म है ना, इसीलिए उसके उसी का ही नाम है सब कुछ, क्योंकि जो भी वस्तु उस नाम और नाम अभिन्न होते हैं, इस प्रकार से ये व्यवस्था उसके लिए हेतु है, क्योंकि तस् अभिधान अव्यतिरेका तथापि पृथक अभिधान भेद स्थास्यति इति, फिर भी जो अभिधान और अभिधेय में भेद हो जाएगा उसको तो न, क्योंकि अभिधानस्य च ओंकार अव्यतिरेका ओंकार एव इदं सकं, जितना नाम है सब ओंकार से अभिन्न है, इसलिए प्रश्न उठाया तथापि पृथक अभिधान भेद, इसके सब अलग अलग वस्तु का अलग अलग नाम होता है, इसलिए भिन्न हो, बोलते नहीं नहीं सारा नाम का एक ही आश्रय, इस प्रकार समस्त नाम का एक आश्रय कौन है, वाणी। ये जो हमारा लय प्रक्रिया देखा है ना बिरदारण्यक उपनिषद में, मैत्री ब्राह्मण में आया हुआ है, समस्त शब्दों का एक आश्रय है वाणी, समस्त दृश्य का एक आश्रय है जो हाँ रूप का एक आश्रय, इस प्रकार से एक आयन प्रक्रिया बोलते हैं, समस्त नामों का एक आश्रय है ओंकार,
इसलिए आप बोलते हैं कि तथापि पृथक अभिधान भेद तस्यपि अभिधान अलग अलग रहेगा ऐसे न अभिधानस्य च ओंकार जितना नाम है ओंकार से अभिन्न है जितना नाम है ओंकार से अव्यतिरिक्त ओंकार एव इदम सर्व इसलिए ये सारा ओंकार है ये सारा ओंकार का ही रूप ही है क्या हो गया ये सारा ओंकार का ही नाम और रूप में अभिन्न से बोलता है अभिधानस्य च ओंकार अव्यतिरिक्त ओंकार एव इदम सर्व वाच्यं वाचकं च सर्वं ओंकार मात्रम् इति अभ्युपगामे अपि परब्रह्म पृथक एव स्थास्यति इति आशंका अठीक है संसार में जो भी कोई वस्तु दिखाई पड़ रहा है वो हो गया आपका वाच्य और उन सब का वाचक ओंकार मतलब जो भी नाम शब्द है ओंकार परंतु इन दोनों का जो ब्रह्म तो नहीं दिखाई पड़ता है ब्रह्म आपका इंद्रियगम में नहीं है तो दिखाई नहीं पड़ता इस प्रकार नाम रूप का अभिन्नता होने पर ये ब्रह्म तो अलग ही रह जाएगा ब्रह्म तो अलग ही रह जाएगा क्योंकि वो तो दिखाई नहीं पड़ता उसके शब्द प्रयोग भी नहीं होता इसलिए बोलते हैं वाच्यम वाचकम च जो वाच्य मतलब हो गया अभिधेय और वाचक हो गया अभिधान इसलिए वाच्यम वाचकम च सर्वम ओंकार मात्र में सारा ओंकार ही है इति अभ्युपगम्य अपि ठीक है मान लिया परंतु फिर भी परब्रह्म पृथक अवस्थास्यति परब्रह्म तो अलग ही रह जाएगा परब्रह्म तो अलग ही रह जाएगा इति आशंका आह ऐसा कोई शंका करते हैं तो उसको उत्तर में बोलते हैं न परमच ब्रह्म अभिधान अभिधेय उपाय पूर्वकम एव गम्यते इति ओंकार एव उस परब्रह्म को अपना कोई नाम और रूप नहीं होने पर भी फिर भी नाम रूप को आश्रय करके ही उसको समझा जाए हाँ गम्य तो समझा जाता है समझा जा सकता है नहीं तो नहीं समझ सकते आप इसलिए वो भी ओंकार के अंतपाती हो जाएगा इसीलिए उसका तो कोई नाम रूप नहीं है अपने आप कोई नाम रूप नहीं है परंतु उपाधि के आश्रय नाम रूप तो अभिप्राय क्या हो जाएगा उपाधि उपाधि को आश्रय लिए बिना निरुपाधि को कभी भी आप नहीं समझ सकते निरुपाधि को समझने के लिए आपको उपाधि और उपाधि के धर्म को समझना पड़ेगा और इस उपाधि और उपाधि का धर्म जिसमें नहीं होते वो भी जिसमें दिखाई पड़ता वो हो गया नहीं इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि परम च ब्रह्म अभिधान अभिधेय उपाय पूर्वक अभी नाम रूप को आश्रय लेकर के निर्गुण निराकार निर्विशेष को समझ में आता है इसके लिए वही उपाय है गम्यते इति इसलिए ओंकार ओंकार ही कहा जाता है ठीक है ये प्रतीक हो गया फिर आ जाइए टीका में जत ही परम कारणं ब्रह्म तच्चेत अवगम्यते तदा किंचित अभिधानं तेन इदं अभिधेयं इति एवं आत्मक उपाय पूर्वकं एव तद् अधिगम अभिधेयत्वं च सा अभिधान अव्यतिरिक्तं तत् पुनर ओंकार मात्रं इदं इति उक्तत्वात् वाच्यं ब्रह्म अपि वाचक अभिन्नं तन्मात्रमेव भविष्यति वहाँ पे एक कॉमा लगा हुआ है ना ठीक है वही हम रोक देंगे अभी देखिए जत ही परम कारणम ब्रह्म जो सबसे मूल कारण है अलग अलग मूल कारण है देखिए आपको भगवद गीता आपने पढ़ा ना दसम अध्याय हमने पढ़ा अहम ही सर न तदस्ति बिना सर दक्ष सर्वभूतानां बीजं ततहम अर्जुन समस्त भूतों का बीज मैं अच्छा बताइए एक प्रकार की वृक्ष की बीज से एक प्रकार का ही वृक्ष हो सकता है और यहाँ पे तो आम का भी वृक्ष मैं हूँ कटहल का भी वृक्ष तो बीज कैसे होगा परंतु भगवान बोल रहे मैं सबका बीज हूँ हाँ बीजों का भी बीज हूँ ये अभिप्राय है मतलब मैं वास्तविक निर्विशेष हूँ यदि हम कोई सविशेष रूप होता तो वो एक रूप में ही दिखता सविशेषता नाम रूप में है और निर्विशेषता में कोई विशेषता नहीं है इसलिए मैं तो सबका सत्ता स्फूर्ति प्रदान मेरा विजयत्व तो क्या है मैं सत्ता स्फूर्ति प्रदान कर अब देखिए तभी तो जाकर के उसके माध्यम से नाम रूप के माध्यम से वो समझ में आता है नाम रूप के आश्रय लेकर के नाम रूप जिसके कारण से सत्ता स्फूर्ति को प्राप्त किया अपने अपने आप में है रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प जिसके कारण से सत्ता स्फूर्ति को प्राप्त करते हैं वो तो कौन अधिष्ठान अधिष्ठान के बिना भ्रांति नहीं होती इसलिए कोई अधिष्ठान है वो मानो समझ में आ जाएगा फिर सभी प्रयत्न होते हैं जत ही परम कारण देखिए कारण के पहले विशेषण लगाया
जिसके पीछे और कोई कारण नहीं है, द अनकॉज्ड कॉज, परम कारण, जिसके पीछे और कोई कारण नहीं है, परम कारण ब्रह्म तच्च इदम् अपेक्षत चेत् अवगम्यते तदा। यदि उसको समझना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, किंचित अभिधानम तेन इदम् अभिधेयम्, जो किसी भी नाम और उसके तरह जिस वस्तु को कहा जाता है इन दोनों को ग्रहण करके अभिधेयम् इति एवं आत्म को उपाय पूर्वकम्, इस प्रकार उपाय को अवलंबन करके, इस प्रकार एव तद अधिगम उसका बोध होता है। क्यों, ये नाम और रूप को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला, जिसका अपना नाम रूप नहीं है, जिसका अपना नाम रूप नहीं है परंतु नाम और रूप को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला है वो वहां पे विद्यमान है, तो ये मिथ्या वस्तु है। ये अजातवाद को सिद्ध कर रहा है, सर्प की उत्पत्ति कभी नहीं हुई, सर्प को दिखाई दे रहा है परंतु सर्प उत्पत्ति के पीछे जो हेतु बैठा हुआ उसका अधिगम कैसे होगा, सर्प से ही उसका बोध होगा। यदि सर्प नहीं दिखाई देता रज्जु आपको समझ में नहीं आता, इस अभिधा से बोल रहा है कि इसको ये उपयोगिता है, ये उपयोगिता इसमें। यदि परम कारणम ब्रह्म तच्च इदम् अवगम्यते तदा किंचित अभिधानम तेन इदम् अभिधेयम् इति एवं आत्म को उपाय पूर्वक, इस प्रकार उपाय के द्वारा ही एव अधिगम उसका बोध तत् अधिगम ब्रह्म का बोध होता है। अभिधेयम् च स अभिधान अव्यतिरिक्तम्, अभिधान और अभिधेय में अभिन्नता है, कभी भी अधिष्ठान के बिना भ्रांति नहीं हो सकती, नाम का भी रूप को छोड़ करके नहीं रह सकता, जब कभी भी नाम प्रयोग करेंगे उसका पीछे कुछ ना कोई निर्दिष्ट रूप होगा ही होगा। अच्छा, तत् पुनर ओंकार मात्रम इति उक्तता, पहले हमने क्या बोला, समस्त नाम ओंकार रूप ही है, अगर समस्त नाम रूप जो है ब्रह्म का ही है तो यह नहीं कि ओंकार ब्रह्म से, ओंकार से ब्रह्म समझ में आता है, ओंकार आलम्बन से ब्रह्म समझ में, इसलिए बोलते हैं कि तत् पुनर ओंकार मात्रम इति उक्तत्वात् वाच्यम ब्रह्म अपि वाचक, ये जो वाच्य कौन हो गया, अभी ब्रह्म वाच्य कौन हो गया, ओंकार, इसलिए ओंकार का अवलंबन करके यद्यपि परमात्मा, परमात्मा मतलब हमारा पर ब्रह्म वाच्य वाचक से भिन्न है परंतु उसको ये जो है अध्यारोप हुआ है ना, इसलिए बोलता है वाच्य ब्रह्म अपि वाचक अभिन्न तन मात्र में भविष्य, इसलिए उस अभिन्न होकर के वो ओंकार मात्र ही हो जाएगा, उसके द्वारा ही समझ में आ जाएगा। इति यत्र तु कार्य कारणातीत चिन्ह मात्र वाच्य वाचक विभाग व्यावर्तत, ये हो गया, देखिए जहां तक आपका व्यवहार चल रहा है हिरण्यगर्भ तक ईश्वर तक आ जाएगा, परंतु आप निर्विशेष में ले जाना है, इसलिए बोलते देखिए आप परंतु उसके पीछे तू मतलब तू यत्र तू, परंतु उस जगह पे जो कार्य कारणातीत, जो कार्य कारण भाव से परे है, जहाँ पे कार्य कारण भाव नहीं है, तो क्या वस्तु है, चिन्ह मात्र चैतन्य घन एवं प्रज्ञान घन शुद्ध चेतन मात्र है, मात्र मतलब अन्न का व्यवर्तन कुछ भी नहीं है, मात्र शब्द क्या करते हैं सभी वस्तु का व्यवर्तन करते हैं, केवल शुद्ध एक चेतन तत्व है। वाच्य वाचक विभाग व्यवर्तक है, जहाँ पे वाच्य वाचक विभाग है ही नहीं, वहां पे विवच्य अलग है वो, तत्र नास्ति ओंकार मात्रत्वम ओंकारेन लक्षणया तत् अवगम अंगीकार, अब क्या हो गया वहां पे ओंकार शब्द ही प्रयोग नहीं होता परंतु ओंकार के द्वारा लक्षित होता है, लक्षित होता है, क्योंकि उसको सीधा सीधा शब्द प्रयोग नहीं करेंगे, तब लक्षणावृत्ति से समझाया जाएगा, मतलब जिसके रहने के कारण ये सारा राम रूप दिखाई पड़ रहे, और जो समस्त ओंकार जिस नाम का आश्रय है वो रूप, जिस नाम का रूप से अभिन्न है वो रूप, जिसका रूप का जो अधिष्ठान है वो उसके द्वारा लक्षित हो जाता है, उसके द्वारा लक्षित हो, मैंने आपको बोलते भाग त्याग लक्षण, मतलब कुछ भाग को छोड़ देना कुछ भाग को रख देना, उसके द्वारा एक प्राप्त होता है। इसलिए आप बोलते हैं देखिए इस लाइन इज इंपॉर्टेंट, जत्र तू कार्य जहां पे कार्य कारण भाव है वहां पे तो आप नाम नाम से अभिन्नता समझ जाते हैं, परंतु जहां पे कार्य कारण अतीत चिन्ह मात्र वाच्य वाचक विभाग व्यवर्तक है वहां पे तत्र नास्ति ओंकार मात्र, वहां पे ओंकार मात्र या नहीं कह सकते ओंकार, वहां पे क्या होता है ओंकारेन लक्षणया तत् अवगम अंगीकार, ओंकार के द्वारा लक्षणावृत्ति से उसको बोध होता है ऐसा समझा, ऐसा अंगीकार मान्यता दिया, लक्षणावृत्ति से मतलब क्या है, जिसको आप जिसके लिए आप शब्द प्रयोग कर रहे हैं, अब जैसे देखिए मैं पहला दृष्टांत दिया, लाइट है, घरा है, अनेक पानी है, आप एक एक करके आपका क्या बोला आपने, घरा पानी प्रतिबिंब बिंदु, ठीक है ना, आप एक एक करके आप बिंदु आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लाइट आपको नहीं दिखाई दे रहा है, केवल प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है, प्रतिबिंब से आप बिंब का अनुमान समझ में आ रहा है, एक एक करके सारा घड़ा टूट गया, अब आपको पूछे कि क्या रह जाएगा, आप ये नहीं कह सकते कि वो बिंब है, आप ये कहेंगे कोई
का स्वरूप है वो, क्योंकि प्रतिबिंब के सापेक्ष में बिंब शब्द प्रयोग कर रहे थे। अब क्या है, वो प्रतिबिंब नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा अब वहां पे, परंतु इतना एक एक करके तोड़ने से जो घटना हो रहा है उसको देख करके आपको पता लग रहा है कोई एक प्रकाश है, उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, खरा पानी प्रतिबिंब यहाँ पे परिवर्तन, वो तो एक ही, यहाँ पे बढ़ जाता है तो बढ़ रहा है, घट रहा है तो घट रहा है, वो एक ही है। ये सारा यहाँ पे बोध करा करके आपके हो जाएगा नाम रूप से परे जो एक तत्व है, ये आपको समझ, ये हमारे पास उपाय है, ये उपाय है। इसलिए आप बोलते हैं तत्र नास्ति ओंकार मात्र तमो ओंकार, में भी नहीं ओंकारेण लक्षणया, इस ओंकार के तरह लक्षणा से उसको समझाया जाता है, अवगम अंगीकारा उसको समझाया जाता है, ऐसा हमारी मान्यता होने के कारण। यहाँ पे देखिए तीन नंबर टिप्पणी दिखाई दे रहा है, तत्र तत्र बोल रहे तत्र नास्ति अमात्र चतुर्थ, यहाँ श्रुति क्या बोलेगा, ये चतुर्थ क्या है अमात्र, मतलब जिसके लिए कोई मात्रा नहीं है, जो चौथा चौथा शब्द भी प्रयोग नहीं होता वहां पे, यहाँ पे चतुर्थ शब्द तीन के सापेक्ष में बोला गया है, तीन जागृत स्वप्न सुषुप्ति के शब्द से वो चतुर्थ है, इसलिए अ उ म के सापेक्ष में जो यहाँ पे एक ऐसा लिखते हैं वो अमात्र कहा जाता है, वो समझाने के लिए अ उ और म बिंदु पर है, कोई की देखना ऊपर चंद्र बिंदु म हो गया, परंतु ये जो एक ये अमात्र है, मतलब तीनों को कनेक्ट किया हुआ है, अ उ म को कनेक्ट किया हुआ है, अब देखना लिखने की शैली में आप देखना इसको, उसके लिए वास्तविक कोई शब्द नहीं है तो अमात्र बोलते हैं उसको, मात्र बोलते हैं, और उसी को यहाँ पे चतुर्थ मात्रा भी कहते हैं, चतुर्थ अवस्था, तो ये चतुर्थ अवस्था नहीं है अलग, ये तीनों में अनुसूत है, तीनों में आत्मा जागृत काल में स्वप्न काल में सुषुप्ति काल में सभी में अनुसूत है, पर उसके साथ संबंध नहीं रखता, इसलिए चतुर्थ सूत्र कहा जाता है। तत्र तत्र मतलब तत्र नास्ति अमात्र चतुर्थ अव्यवहार्य है ना, वो अमात्र है जिसको जिसको मात्रा से परे है, उसको चतुर्तुर्य जिस शब्द से कहा जाता है, और जो जो व्यवहारातीत अव्यवहार्य इसमें कोई व्यवहार नहीं होता, इति सुत्ता एव अन्ते वक्षमानत्वा, श्रुति के द्वारा ही इसके बारे में मंत्र में कहा जाएगा, ये श्रुति के द्वारा ही वो व्यवहार से अतीत ऐसा कहा जाएगा, परंतु जो श्रुति ओंकार के द्वारा जिसको प्रतिपादन करना चाहते हैं, श्रुति अपने आप जाकर क्या बोलती है, ये ओंकार के द्वारा भी प्रतिपादन नहीं है, लक्षण नया समझा जाता है चतुर्थ अवस्था के लिए, जिस ओंकार का अवलंबन को लेकर के आप क्या क्या प्रतिज्ञा क्या किया कि आपको अपने स्वरूप के ज्ञान से आपको मुक्ति होना है, ये ज्ञान प्रकरण है, तो जिस वस्तु की ज्ञान से होना उसको अवलंबन समझाने के लिए अवलंबन किसको लिया, ओंकार का अवलंबन लिया, और श्रुति अपने आप बाद में अंतिम में क्या कहता है, ये ओंकार अवलंबन के द्वारा भी उसको हम ठीक से नहीं समझा पाता है, ये सारा व्यवहार से परे है, अपने आप श्रुति ये हेतु इसलिए बोलते हैं उसके लिए हेतु कहते हैं, वहाँ पे तत्र नास्ति उस विषय में यहाँ पे नाम नामी व्यवहार भी वहाँ पे नहीं होता, ये नाम नामी व्यवहार भी उस तुरियों में नहीं होता, तुरिया अवस्था में नहीं होता, वो तो जागृत से स्वप्न सुषुप्ति में होते, इसलिए बोलते हैं तत्र नास्ति इति अमात्र चतुर्थ अव्यवहार श्रुत्ता एव अंत्य, मतलब बारहवां मंत्र में वक्षमानता दीति भाव यहाँ पे कथन किया गया, इसलिए ही अभिप्रेत करते हैं। लक्षणया चार नंबर तत्र युक्ति अहम लक्षणया, कैसे समझाया जाता है, लक्षणा वृत्ति के द्वारा समझाया जाता है, उपदि दे रहे हैं, अच्छा लक्षक पद अनुरक्त बुद्धि बुद्धत्व अभाव न लक्षस्य लक्षक पद अभेद इति भाव। आप देखिए ये बड़ी समस्या है वेदांत में, क्या समस्या है, कहाँ लक्षणा करते हैं, जब हमने बोला गंगायाम घोष उक्षिधार्थ नहीं निकलते तो हम क्या करते हैं, हमने गंगा जी का पानी तो नहीं हो सकता, वहां पे तो कोई व्यक्ति नहीं रह सकता, यानी कि व्यक्ति का कहने का अभिप्राय है पानी के साथ संबंध रखने वाला तीर, गंगा तीर में उसका मकान है, लक्षेश्वर में गंगा तट में उसका मकान है, ठीक है, अब गंगा के साथ गंगा तीर का एक अभिन्न संबंध है ना, इसीलिए शक संबंध लक्षण शक्ति वृत्ति से जो अर्थ आता है उसके साथ संबंध रखते हुए हम लक्षणा करते हैं, ठीक है, ये तुम्हारे वेदांति की मान्यता है, आप बताओ आत्मा किसके साथ संबंध करता है, किसके साथ संबंध रखता है, संबंध करेगा तो उसके शुद्धता की हानि हो जाएगी, तो आत्मा में लक्षणा कैसे करोगे,
तो लक्षण कैसे करोगे? आप बोल तो लक्षण वृत्ति के द्वारा समझाया जाता है, आप ओंकार के द्वारा लक्षण ठीक है। जैसे आपने गंगा या अंगंगा में लक्षण करोगे, गंगा से लक्षण करके कहां पे आओगे? तीर में आओगे, गंगा के साथ तीर के संबंध है। इस प्रकार ओंकार में लक्षण करके कहां आएगा? आत्मा में, निर्विशेष आत्मा में। निर्विशेष आत्मा का ओंकार से संबंध रखता है, परंतु फिर भी उसको अवलंबन लेकर के समझा जा सकता है। यही बात है, ये समझना हमेशा। हमारे यहाँ पे क्या माना जाता है? आध्यासिक तादात्म संबंध, आध्यासिक तादात्म संबंध, इस संबंध हम मानते हैं, हमें मान्यता देना पड़ा। आध्यासिक संबंध है, पारमार्थिक संबंध नहीं है। आध्यासिक तादात्म, रज्जु के साथ रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा सर्प का क्या संबंध है? यद्यपि उसी सर्प को देख करके आपका रज्जु का ज्ञान होता है, ठीक है ना? तो परंतु रज्जु के साथ सर्प का क्या संबंध है? एकमात्र आध्यासिक तादात्म संबंध, रज्जु नीचे सर्प दिमाग में, रज्जु सामने सर्प दिमाग में, संबंध कैसे हो गया? ये आध्यासिक तादात्म ठीक है। ये फंडामेंटल चीज का क्लैरिटी चाहिए हमको कि वेदांत में शब्दों को समझेंगे। यहाँ भी ओंकार के द्वारा भी हम नहीं बोल सकते, तो किसका अवलंबन किया? लक्षण अभिव्यक्ति के द्वारा। अब देखिए आपके बोलते इस विषय में लक्षण के द्वारा, लक्ष्य पद अनुरक्त बुद्धि बुद्धत्व अभाव। जिस प्रकार हम लक्ष्य, लक्ष्य और मतलब लक्षक हो गया, लक्ष्य हो गया गंगा ती, और लक्षक हो गया गंगा, गंगायाम घोषा बोला है। तो लक्ष्य लक्षक मतलब लक्ष्य को दिखाने वाला शब्द, जिसको आप दिखाना चाहता है उसको दिखाने के लिए शब्द प्रयोग किया गया, हो गया लक्ष्य। अब हमारा बीच में आया था स्पष्ट करके, इसमें दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में बहुत अच्छे से समझाते इसको। तो यहाँ पे ये भाग तक लक्षण को लेकर के बोले थे। लक्ष्य का मतलब क्या हो गया? कि जिस शब्द के द्वारा लक्ष्य को समझाया जाता है, एक हो गया लक्ष्य जिसको आप समझाना चाहते हैं, और हो गया लक्षक, और जो प्रक्रिया उसको होता है लक्षणा। लक्षणा रूपी प्रक्रिया में दो शब्द होता है, एक होता है लक्षक, एक होता है लक्ष्य। लक्ष्य हो गया गंगती, और लक्षक हो गया गंगायाम। लक्षक यहाँ पे क्या हो जाएगा? लक्षक हो गया आपका ओंकार, और लक्ष्य हो गया परब्रह्म। समझ में आया? लक्षक हो गया ओंकार, ओंकार की मात्रा इसको लेकर, ये हो गया लक्षक, उसे लक्ष्य क्या हो जाएगा? परब्रह्म। अब ये समझ में आया, लक्षक पद अनुरक्त बुद्धि बुद्धत्व अभाव। ये लक्षक में जिस पद को आपने प्रयोग किया, उससे आपका बुद्धि में जो चीज बैठा, उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं होता। वहां पे तो दिखाई पड़ता है गंगा के साथ गंगा तीर का संबंध है, परंतु यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो नहीं है, ठीक है। ये टिप्पणी को बहुत अच्छे बुझोगे, इसको जो ठीक से समझेंगे, मतलब ठीक जगह पे समझे। लक्षक पद, लक्षक जो पद गंगायाम, उससे अनुरक्त बुद्धि, अनुरक्त बुद्धि क्या? गंगा की धारा, उस बुद्धि के साथ, उस धारा के साथ संबंध रखने वाला तीर। यहाँ पे लक्ष्य हो गया ओंकार ना, उसके साथ ओंकार से जो बुद्धि में बैठेगा उसके साथ इसका कोई संबंध नहीं, कोई तो सीधा संबंध है नहीं उसका, कैसे संबंध? इसीलिए बोलते हैं जो लक्ष्य नया, लक्ष्य का पद अनुरक्त बुद्धि बुद्धत्व अभाव ना लक्ष्यस्य लक्ष्य का पद अभेद। इसीलिए यहाँ पे वो जो लक्ष्य और लक्ष्य पद में नाम नहीं भाग, यहाँ अभेद नहीं है। नहीं तो अजातवाद सिद्ध ही नहीं कर पाओगे। फंडामेंटल इसे तो बिल्कुल क्लैरिटी चाहिए। इसका अवलंबन तो हमने लिया, यदि जिसको हमने अवलंबन लिया ये कोई पारमार्थिक वस्तु होता तो हमारा अजातवाद सिद्ध ही नहीं होगा। जिसको अवलंबन ले करके हम जिस अधिष्ठान को समझाना चाहते हैं, उस अवलंबन यदि कोई पारमार्थिक वस्तु होता है, यहाँ तक ओंकार ही ईश्वरी क्यों ना हो, तभी अजातवाद सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए ये बिल्कुल पक्का होना चाहिए सिद्धांत यहाँ पे। इसलिए बोलते हैं लक्ष्यस्य लक्षक पद अभेद न लक्ष्यस्य लक्षक पद अभेद। दिस इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य हो गया जिसको समझना चाहता है, लक्ष्य हो गया पद गंगायाम, गंगा की धारा और गंगा की तीर। गंगा की धारा सुनते तीर आपका बुद्धि में बैठ जाता है। जब आपने पूछा देखो मतलब मिस्टर वो कहाँ रहते हैं, जब कोई कहते हैं गंगा में, मतलब गंगा की तीर से आपका मन में आ जाता है। परंतु यहाँ पे शब्द कहने से जो आपका मन में बैठेगा अ उ म अथवा जागृत, उससे आपका ब्रह्म मन में नहीं बैठेगा, क्योंकि मन के विषय नहीं है।
लक्षणों में इतना ध्यान रखना है कि हाँ भी हमारे लक्षणों में भी हम बोलते हैं भागते हैं लक्षणों के द्वारा, हम इसको समझाते हैं परंतु बहुत सावधानी के साथ, क्योंकि लक्षण करने के लिए भी किस भाग को रखेंगे किस भाग को छोड़ेंगे, इसलिए भागते हैं जहद अजहद लक्षणों का काम ही नहीं करते हैं। यहाँ पे तीन प्रकार की रक्त गंगायान घुस में जहद लक्षण है, त्याग कर दिया अपने धारा को, और अजहद लक्षण क्या होता है धारा के जिसे सोनो धावती लाल दौड़ता है, मतलब लाल के साथ लाल घोड़ा अथवा लाल कपड़ा वाला बालक मंचा क्रोशति जिसे मंचा और मंचा के व्यक्ति देते अजहद लक्षण है, और यहाँ पे जहद अजहद लक्षण एक भाग को छोड़ देना एक भाग को रख देना, इस निर्गुण निराकार निर्विशेष को नाम रूप दिखाई दे रहा है, नाम रूप को छोड़ करके केवल निर्विशेष को रखना, तब और तब हर जगह तब तत् और तम पथ का एक बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना की ये लक्षण भी हमारे लिए ठीक ठीक है, क्योंकि उसके लिए कोई संबंध ही नहीं है, तब हम मानते हैं मान्यता देना पड़ता है कि आध्यात्मिक तादात्म्य संबंध से हम मान्यता दे करके अब संबंध छूट जाता है, बस उसके द्वारा वो निर्विशेष लक्षित हो जाता है। ये देखिए इसलिए लक्षणया लक्षक पद अनुरक्त बुद्धि बोधत्व अभावार्थी का फर्स्ट पार्ट हमने बोला गंगाया में होगा लक्षक पद, उसके द्वारा बुद्धि में उत्पन्न होता है गंगा की धारा, उसके साथ संबंध रखने लगे गंगा तीरो बुद्धि में बैठ जाता है, संबंधों में दिखाई पड़ता है गंगा के साथ तीर का संबंध दिखाई पड़ता है प्रत्यक्ष, परंतु ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसके साथ ब्रह्म का संबंध दिखाई पड़ता है। कैसे वो लक्षक पद लक्ष्य का बोध कैसे करेगा, उसका संबंध नहीं होने पर भी आध्यात्मिक तादात्म्य, क्योंकि रज्जु दृष्टांत यहाँ पे समझ जाएंगे तो स्पष्ट समझ में आ जाएगा, वो सर्प यदि भ्रांति से मेरे को नहीं दिखता तो रज्जु कभी भी समझ में नहीं आता, सर्प यदि भ्रांति से मुझे नहीं दिखाई पड़ता तादात्म्य तो नहीं करते तब वहाँ पे रज्जु को सर्प का उत्पन्न ही नहीं हुआ, इसीलिए हम यहाँ पे अध्यारोप मान्यता दे करके हम ऐसा कहते हैं।